भाई यू आर बीइंग वेलकम टू किन्नौर। नाउ फाइनली हम पहुंच ही गए हैं और एंटर कर ही लिया किन्नौर को। भाई जैसे ही हमने किन्नौर एंटर किया तो हमें एक एंट्री करवानी पड़ी है। जो पोस्ट थी आर्मी की वहाँ पे, उन्होंने बस अपना गाड़ी का नंबर और जो जो लोग आए हैं उनके नाम नोट किए हैं और घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, और पूछा कि कहाँ तक जाना है। उसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, बिल्कुल आना भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते भी बढ़िया हैं, आपको बताया ही है मैंने। तो कोई परमिट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल एक चेक इन टाइप वहाँ पे होना होगा और तो कुछ नहीं। रोड की उस तरफ देख रहे हो पत्थर, ये पूरा पहाड़ ही है। यही है एक ऑफिशियल किन्नौर की एंट्री, जो हम नॉर्मली वीडियोस में, फोटोग्राफ्स में, हर जगह पे देखते हैं, जो कुछ हम देखते रहे हैं वीडियोस में, आज वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। और यहाँ पे तो भाई ज़रूर रुकेंगे, रुकना बनता भी है। चलाओ भाई वहाँ चल के ही देखते हैं, अब तो तभी आएगा मज़ा। लो जी बहुत खुशी हो रही है भाई यहाँ पहुँच के। भाई भगवान जी तो पूरे खुश हैं अपने से, अब हमने किन्नौर एंटर किया है जस्ट, और साथ ही बारिश भी उन्होंने शुरू कर दी है, उनकी कृपा बनी रहे बस अब। और पूरा का पूरा सफ़र ऐसे ही बढ़िया निकलता रहे, पूरी मस्ती करें, आप लोगों को भी मस्ती करवाएं। ओम नमः शिवाय। गोपी भाई आपको बताएं, फ़ोन देना उन्होंने, मैं पूरी एंड गलबात हुई भैया मैं न्यारा स्वर्ग स्वर्ग बहुत बढ़िया। जिन्होंने आ चीज़ नहीं वेखी उन्होंने कुछ भी नहीं वेख्या। आ चीज़ तुम आगे एक बार ट्राई करो, दोबारा तुम अपने पंजाब जाने की ख्वाहिश नहीं करोगे। वाकई बहुत अच्छा दृश्य है, मजाक चलो एक अलग चीज़ हो गई, पर मतलब ये जो रोड है ना, जो ऊपर से कवर्ड आई थी पूरी की पूरी, बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त। यहीं से पता लगता है कि हाँ भाई अब हम किन्नौर में हैं। ये देखो भाई पहाड़ देखो आप, पूरा पूरा का पूरा रास्ता ही मतलब एंडर कर रखा है इन्होंने, पता नहीं कैसे काट काट के पहाड़ इन्होंने रास्ते बनाए हैं यहाँ पे, पर जो भी किया भाई कारीगरी, सल्यूट है इन लोगों को। ऐसे के व्यू आपको कहीं और कोई और नहीं दिखाएगा भाई, इतने अच्छे से जितने अच्छे से हम दिखा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए और आप लोगों को भी मज़े करवाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी मेहनत को और सफल कर देना आप लोग। अगर सब बढ़िया लगे, वो देखो भाई पहाड़ की लुक देखो आप, क्या ज़बरदस्त लुक है। साहिल भैया ये कहाँ पे ले आओ, ले आए हो? ले आए ना भाई सातवें आसमान में। भाई अब काफ़ी आगे निकल आए हैं वैसे, और यहाँ पर आगे रोड्स देखो आप कितनी सुंदर बनी हुई हैं, और इन लोगों ने मतलब जो भी है हमारे पहुँचने का रास्ता तो वाकई बहुत आसान कर दिया। हाँ सतलुज रिवर है ये साथ में जो, हाँ बीच बीच में कई कई पैचेस हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कुछ ये लैंड स्लाइड प्रोन एरिया भी है ना, तो जितनी मर्जी ये कोशिश कर लें कुछ ना कुछ जो बीच में हिस्से हैं वो मतलब टूट ही जाते हैं जैसे, तो उनको दोबारा दोबारा रिपेयर करना पड़ता है। भाई एक और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार है, ये 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है भाई। मैं आपको पता नहीं तीन तो मुझे लगता है पहले ही बता चुका हूँ जो प्रोजेक्ट्स अपन रास्ते में देखे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये एक और 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तभी कहते हैं कि हिमाचल में बिजली की कमी कोई हो ही नहीं सकती। और ये लो जी व्यू भी आ गया, क्या व्यू है देखो भाई, पहाड़ों का तो जो व्यू है ही है, और इन पहाड़ों के बीच में जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है, इसकी तो मतलब जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहुत बढ़िया भाई देखो, देखो भाई क्या ज़बरदस्त जगह पे इन्होंने ये प्रोजेक्ट रेडी किया है।
करछाम वांग 2 प्रोजेक्ट है भाई ये, 1045 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, अगर आपको शायद दिख ही रहा होगा यहाँ से। गौरव जी थोड़ा ट्राई करिए जूम करके दिखाने की भाइयों को। लो भाई देखो, ये इन जगहों से हैं, ये जो जगह हैं यहाँ पे बिजली जो प्रोडक्शन होती है वही हमारे घरों तक पहुँचती है और हम ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, एसी चलाते हैं, आराम से ठाट से बैठते हैं वहाँ पे। देखो भाई मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब वीडियो को ना चलाते ही रहें, कुछ ऐसा काटने वाला इसमें है ही नहीं, ऐसे वीडियो बनती रही तो भाई मुझे तो लगता है कि कहीं एक दिन की वीडियो ही ना 6-7 घंटे की बन जाए। क्या काटेंगे उसमें से, क्या रखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया भाई, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं फिर दोबारा। भाई हम ऑन द वे ही हैं चितकुल के, और भाई यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर सड़क और बहुत ही सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का व्यू आप देखो, क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, और ऊपर से बारिश ने 4 चांद लगा दिए हैं। इस टाइम हम 1703 ऑल्टीट्यूड पे हैं फ्रॉम द सी लेवल, जैसे कि हमारी कार बता रही है हमें 1703 meters है ये, दिस इज़ नॉट फीट। और वो देखो आप ऊपर बादल देखो, लग रहा है कि बारिश ज़रूर और तेज़ होगी क्योंकि काफ़ी घने बादल हैं। देखो कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी व्यू आए, ये फर्स्ट व्यू है जैसे बर्फ़ के पहाड़ों का, तो ऊंचा पहाड़ है ये, पूरा बर्फ से ढका हुआ दिख रहा है, नेकेड तो बहुत अच्छा है, कैमरे में उतना अच्छा ना पता, बाकी आगे जाके ट्राई करते हैं कि इससे व्यू। राइट साइड पे जो कट है उधर हम मुड़ गए हैं सांगला, क्योंकि हमने जाना है तो यही रास्ता है सांगला और बिल्कुल के लिए, और ये डैम है, डैम का भी आपको व्यू दे देते हैं भाई, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त काफ़ी बड़ा डैम बना रखा है ये कारछाम डैम। जो 1000 megawatt एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये वही वाला डैम है, और अब यहाँ से सांगला अराउंड 17 kilometers है भाई, और चितकुल से थोड़ा और आगे है तकरीबन अपना यही 15 kilometers के आसपास वो है। तो अभी रोड की शुरुआत तो सही लग रही है, मतलब फुल सीमेंटेड रोड है, अब आगे जाके देखते हैं क्योंकि मैप्स जो है वो ये वाला जो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया अराउंड 40 kilometers का, इसके लिए अराउंड 2 hours शो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद रोड्स की कंडीशन हो सकता है आगे उतनी अच्छी ना मिले। ये देखो भाई ये एंट्री है, ये इन्होंने हमें देख के तो नहीं खोली है, वैसे ये कोई इन लोगों की बस आई है, तो मैं तो एकदम खुश हो गया, मैं कहा भाई हमें देख के इन्होंने एकदम ये दरवाज़ा क्यों खोल दिया, बट ये इनकी कोई बस होगी मतलब जिसमें इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह आ रहे होंगे तो उनके लिए इन्होंने खोली है। ओ भाई ये देखो वाह क्या बात है, क्या सुंदर गेट बनाया हुआ इन्होंने हमारे सब लोगों के स्वागत के लिए, और हम गेट के अंदर एंटर होते ही अब शुरुआत हो गई है सांगला वैली की,